क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स न्यूज चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें हमारे वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि अच्छा हुआ अहम मैच से कबल वी कप कॉल मिल गई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में रवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा है कि हमारे ज्यादातर खिलाड़ी गैर जरूरी स्ट्रोक खेलते हुए आउट हुए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा है कि अच्छा हुआ अहम मैच से पहले वी कप कॉल मिल गई। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने कहा है कि बैट्समैनों ने पार्टनरशिप नहीं बनाई, जिम्मेदारी से बैटिंग करते तो स्कोर बोर्ड मुख्तलिफ होता। मिकी आर्थर का कहना है कि शादाब खान बैक स्पिन हुआ है, वेस्ट इंडीज में भी हुआ था, परेशानी की बात नहीं। दूसरी जानब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि पहले मैच की निस्बत टीम अच्छा खेली, खुशी है टीम ने अच्छे अंदाज में मैच खत्म किया। ख्याल रहे कि भारत ने एशिया कप के राउंड मैच में पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दी। ताहम पाकिस्तान और भारत दोनों पहले ही सुपर 4 मरहले में जगह बना चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें भी सुपर 4 मरहले में जगह बना चुकी हैं। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत से मजीद एक एक मैचेस खेलेगा। सुपर 4 मरहले में दो टॉप टीमें फाइनल खेलेंगी। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।